नमस्कार मित्रों, मैं देवस पंडा आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ एक नया टॉपिक लेकर। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शनि के तीसरे भाव का फल के बारे में। यदि शनि हमारे कुंडली में थर्ड हाउस में विराजमान है तो हमें जीवन में क्या फल देंगे। इससे पहले मित्रों हम आगे बढ़े, मेरा एक प्रेम भरा आपसे निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कंटिन्यूशन में वीडियो डाल रहा हूं मित्रों, कृपया लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें मित्रों, और बेल आइकॉन का बटन को प्रेस कर दें जिससे मेरे वीडियो आपको समय पर जल्द मिल पाए। अब आगे बढ़ते मित्रों, थर्ड हाउस में शनि जब विराजमान होते हैं तो हमें क्या फल प्रदान करते हैं उसको समझते हैं मित्रों। थर्ड हाउस मेहनत का हाउस है, ये बाहुबल और पराक्रम को भी दर्शाता है। थर्ड हाउस से हम जातक की उत्साह, स्फूर्ति और प्रभावशाली होने का भी पता चलता है इससे। इसे बंधु भाव के नाम से भी जानते हैं मित्रों। जातक कितना फर्ज निभाएगा जीवन में, माने अपने रिलेशन को कितना निभाएगा, अपने कर्मों को कितना निभाएगा और दूसरों की कितनी सहायता करेगा, इसका भी अवलोकन गणना हम थर्ड हाउस से करते हैं मित्रों। यदि थर्ड हाउस में जातक के कुंडली में कोई अशुभ ग्रह विराजमान हो जाने से जातक को कड़ी मेहनत के उपरांत भी सफलता हासिल नहीं होती है, तो आज समझेंगे मित्रों थर्ड हाउस में शनि महाराज यदि विराजमान है तो हमें क्या फल देने वाले हैं। यदि थर्ड हाउस में शनि विराजमान है तो जातक योगियों और साधुओं जैसा जीवन व्यतीत करेगा, माने बड़ा सदाचारी रहेगा, अच्छे कर्म करेगा और स्वभाव से साधुओं जैसा रहेगा मित्रों, साफ सुथरा। जातक निरोगी रहेगा और जल्दी जातक को कोई बीमारी नहीं लगेगी मित्रों, ये स्वस्थ और निरोगी जीवन व्यतीत करेगा। जातक कम बात करने वाला होगा। जातक को शनि थर्ड हाउस में रहकर हर प्रकार का सुख प्रदान करेगा मित्रों, ये वाहन सुख, अच्छा घर सुख और अच्छा प्रतिष्ठा दिलाएगा मित्रों। थर्ड हाउस में शनि की ये विशेषता होती है, ये जातक को भाग्यवान बना देता है मित्रों और गुण शास्त्रों व विज्ञान में रुचि पैदा कर देता है। स्वभाव से थोड़ा चंचल जरूर बनाता है लेकिन शत्रु हंता भी बना देता है जातक को। जातक के शत्रु अपने आप नष्ट होने लगते हैं और साथ में ये अनेक मित्र पैदा कर देता है जातक के। मतलब थर्ड हाउस में यदि शनि है जातक के तो उसके काफी मित्र होंगे, काफी दोस्त होंगे और शत्रु नहीं के बराबर होंगे, नगण्य होंगे। यदि शनि दुष्परिणाम देने को जाए थर्ड हाउस में तो मन में अशांति पैदा कर देता है और शिक्षा जातक का बड़ा रुक रुक के कंप्लीट होता है मित्रों। साथ में ये भाइयों के लिए बहुत कष्टकारक हो जाता है यदि नुकसान देता है, तो भाई की मृत्यु भी हो जाती है कई बार देखा गया है शनि के थर्ड हाउस पे बुरे प्रभाव होने से। और बहन कई बार हमने देखा है कुंडली में कि जातक की बहन विधवा भी हो गई है यदि शनि का बुरा प्रभाव है और थर्ड हाउस में विराजमान है। तो मेरे कुछ सुझाव हैं मित्रों, जिनके जातकों के कुंडली में शनि थर्ड हाउस में विराजमान है उनके लिए। उनको शराब और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। यदि ये शराब और मांसाहार से दूर रहेंगे तो काफी लंबे समय तक जातक स्वस्थ जीवन का आनंद लेते रहेंगे मित्रों। तो सलाह का अनुसरण करने से आपको जरूर फायदा मिलेगा मित्रों। और जो मैंने आपको बताया कि थर्ड हाउस में यदि शनि विराजमान है तो इतने सारे परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे मित्रों। तो इसके साथ मैं यही विराम देता हूं अपनी बातों को मित्रों। कल हम बात करेंगे कि फोर्थ हाउस में जब शनि महाराज उपस्थित होंगे तो क्या परिणाम देंगे। तो आज के लिए जय माता दी, नमस्कार मित्रों।